नगर परिषद का काम या खानापूर्ति, पिछले कई महीनों से मोटर, बिजली, पाइप सब लगा दिया गया, लेकिन हालात जस की तस बनी हुई है। न पानी की निकासी होती है, न ही स्थानीय जनता की समस्या हल होती है। फिर इन मोटर, पाइप, बिजली के खंभे और अर्धनिर्मित कमरे का लोग क्या करें? ऐसे में साकेतपुरी की जनता क्यों न कहे कि नगर परिषद खाना पूर्ति करती है। स्थानीय जनता कह रही है, हमें लगा नगर परिषद के कार्यकर्ता देवदूत बनकर आए हैं, अब हमारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मशीन बस दर्शन मात्र के लिए रह गया। लोग इस मशीन को देख महीनों आस लगाते रहे, अब तो आएगी नगर परिषद, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और साबित हुए। न कर्मचारी आए, न ही कोई काम हुआ। जितनी परेशानी सहनी थी स्थानीय जनता सही रही है। बारिश के मौसम में मोहल्ले की हालत किसी तालाब से कम नहीं रहती है। लोगों के घर में पानी भर जाता है, इसके बावजूद कोई देखने नहीं आता। उम्मीद करते हैं नगर परिषद नींद से जागे और जल्द से जल्द काम करे। सिर्फ मोटर और बिजली लगा देने भर से समस्या का निदान नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। ये मशीन जब से लगाया गया था तो हम लोगों को लग रहा था कि मोहल्ला में कुछ हम लोगों का उबार होगा। नगर पालिका कर्मी आए थे तो हम लोगों को लग रहा था कि अब देवदूत की तरह आए हैं, हम आपको समस्या से निदान मिलेगी। लेकिन मशीन जस का तस रखा है, देखिए ओवरफ्लो पानी आज भी भर रहा है। घरों में लोगों का पानी आज भी भरा हुआ है। ये निर्माण कार्य जस का तस पड़ा हुआ है। पाइप वो फूटा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं। बिजली बोर्ड ओपन है, राहगीर मर सकते हैं इसमें। कभी भी कोई बच्चा छू देगा लंगा तार तो एक और खतरा सामने में दिख रहा है। इन समस्याओं को निजात कैसे पाया जाएगा, हम लोग को अब समझ से परे हो रहा है। नगर पालिका से बड़ी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी मशीन आई है, पानी निकल रहा है, कुछ कार्य होगा। लेकिन बरसात के दिनों में यह सफ़ेद हाथी का दांत साबित हो रहा है, जिसे देखने वाला कोई अब नज़र नहीं आता। मोहल्ले की समस्या जस की तस बनी हुई है, सामने में ओवरफ्लो जा रहा है। क्या बोलेंगे, किससे उम्मीद करें? ये स्विच दबा चिंगारी फेंकता है, कभी धुआं मारता है, फिर भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ये हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ भैया हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। छोड़ दीजिए भैया, आग फेंकता है वहां से। एकदम लंगा इसका ढक्कन भैया, ढक्कन कहाँ है इसका? ढक्कन गया है बनने के लिए, जो अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया, अब बारिश में से खुला छोड़ दिया इसको।